समाजवादी पार्टी जो है इस वक्त देश में एकदम डूबी हुई है। चुनाव में अब तक जो रुझान आया उसे समाजवादी पार्टी लगातार जीत की ओर बढ़ रही है। हमारे साथ रविदास जी हैं, बात कर लेते हैं। रविदास जी, मऊ के लेकर एक बड़ा जो है माना जा रहा था कि वहां से जो संदेश आएगा 24 के लिए एक मैसेज होगा, समाजवादी पार्टी लीड बनाए हुए 49,000 आंकों से आगे चल रही है। देखिए, घोसी में बहुत ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है। ये समाजवादी पार्टी की और इंडिया मोर्चे की जीत है। इंडिया मोर्चा पहली बार चुनाव लड़ा है और सब दलों ने मिलकर चुनाव लड़ने का काम किया। जनता ने इंडिया मोर्चे पर अपनी मोहर लगा दी और ये ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। ये 2024 के पहले के चुनाव की शुरुआत है। ये सेमीफाइनल था, अब 2024 में फाइनल होना है। इसमें दिल्ली में केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी और इंडिया की लड़ाई एनडीए से है। इसका फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को हराएगी। दास जी, जो लोग दल छोड़कर आए थे, दल बल के साथ आए थे सत्ता के पास, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की बात करें या फिर जो कैंडिडेट थे दारा सिंह चौहान, उनके लिए क्या कहेंगे? ये जो संदेश आया है, ये सब मौका परस्त अवसरवादी नेता थे जो मंत्री बनने के लिए आए थे और चले गए। जनता ने इनको ठुकरा दिया है, इनका कोई जन आधार नहीं है और ये बातें बड़ी बड़ी बोलते हैं, इनका कोई जन आधार नहीं है। उन्होंने कभी संघर्ष करने का भी काम नहीं किया है। इसलिए ऐसे लोगों को जो ईडी से, इनकम टैक्स से, जेल से डरते हो, जनता ऐसे लोगों को ठुकरा चुकी है। जिला पंचायत की कई सीटों पर भी आज उपचुनाव हुआ था। लखनऊ में जो है आपकी रेशमा सोनकर, उनको जीत मिली। ऐसी कई सीटें हैं जिनको जीत मिली है। तो एक तरफ आप उपचुनाव जीते, दूसरी तरफ ये तमाम जो उपचुनाव, आज का दिन सपा के लिए बड़ा खास रहा है, कैसे देखते हैं? जिला पंचायत के जो चुनाव हुए हैं उसमें भी समाजवादी पार्टी जीती है। मोहनलालगंज से भी समाजवादी पार्टी ने बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का काम किया है। रविदास जी, एक सवाल आखिरी ये ले लेते हैं कि जिस तरीके से सुबह संजय निषाद जो मत्स्य मंत्री, उन्होंने बयान दिया था कि अभी पाकिस्तान की तरफ के बक्से खुल रहे हैं, इंडिया वाले बक्से खुलेंगे तो बीजेपी जीतेगी। देखिए, भाजपा सरकार के मंत्री केवल नफरत बढ़ाने का काम करते हैं और इस बार ये जो पीडीए बना था पहले, उसके पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इन सब लोगों ने मिल करके घोसी में मतदान किया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के साथ है, इंडिया मोर्चे के साथ है। और ऐसे जो लोग अनर्गल बयान देते हैं, जनता ने उनको ठुकरा दिया है। संजय निषाद की अपनी खुद भी हैसियत नहीं है, चुनाव लड़ करके देखें। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री और मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी से विधायक सीनियर लीडर रविदास मेहरोत्रा। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से घोसी की जनता ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताया, एक ये संदेश है 2024 के लिए। और साथ ही तौर पे इन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए बनाया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उस अलायंस की भी ये जीत है और इंडिया जो गठबंधन है उस गठबंधन की ये जो पहली जीत है, इससे साफ होता है कि 2024 में भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कारनामा दिखाएगी। वीडियो चलिए मेराज खान के साथ फरीदुल हसन।